आने वाले फ्यूचर में, अभी जब आप लोग बूढ़े होंगे तो इनको आप लेफ्टिनेंट जनरल जनरल के आसपास में देखेंगे। राफेल भी आ गया है और बहुत जल्दी आप उसमें बैठेंगे। हाइट भी ठीक ठाक है। यूपीएससी सीडीएसई 1 2022 ऑल इंडिया रैंक 3 एयरफोर्स अकेडमी, ऑल इंडिया रैंक 14 इंडियन मिलिट्री अकेडमी। एक पायलट के ऊपर जिम्मेदारी होती है और हजारों करोड़ का जहाज उसके हाथ में होता है। ऑल इंडिया रैंक 3 एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी ऑल इंडिया रैंक 14, इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA ऑल इंडिया रैंक 14। ओटीए में IMA का आ गया तो आप ओटीए के पीछे काहे पड़े हो भाई। अब इंटर जब हो जाएगा तो कोई कहेगा कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट गायब हो गया। देखिए आप वहां गए ना जहां मेरा जाने का सपना था, यहाँ पे तो ये वहां गए। इंडियन मिलिट्री अकेडमी रैंक 14, IMA रैंक 14, एयरफोर्स 3। तो अभी आप एयरफोर्स ज्वाइन कर लिए? हाँ, एयरफोर्स ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस वो था। अच्छा, और फ्लाइंग फिट हो गए। फ्लाइंग फिट हो गए भाई, एयर फ्लाइंग ऑफिसर, वाह अभिनंदन। तो बहुत बढ़िया बात है, आज सबसे खुशी हो रही है सर कि आपको सामने देख रहे हैं। बताइए किसमें कितना रैंक था IMA? हाय, माइसेल्फ शुभम, यूपीएससी सीडीएसई 1 2022 ऑल इंडिया रैंक 3 एयरफोर्स अकेडमी, ऑल इंडिया रैंक 14 इंडियन मिलिट्री अकेडमी। और मैं सर के पहले बैच का जो ऑनलाइन आया था 2020 के सितंबर में, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का, उसका स्पेसिफिक स्टूडेंट हूं। और मैंने भी ना एग्जाम फोकस तैयारी नहीं की थी, मैंने सिर्फ ज्ञान लेने के लिए सर के पीछे सर का बैच लिया था कि ज्ञान तो मिलेगा। और वही ज्ञान का नतीजा रहा कि पिछली बार भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था लेकिन SSB क्लियर नहीं हुआ था, परंतु इस बार क्लियर हो गया। और सर से हमेशा यूट्यूब पे मोटिवेशन और करंट अफेयर्स, आप लोग सब जानते ही हैं सर का ज्ञान क्या है, तो वही है हमारा। आप एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ सर, प्रेफरेंस सर लव तो हमेशा ओटी है, ऑलिव ग्रीन है सर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वो था तो वही मिलेगा सर। राफेल आ गया। चलिए बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, हाँ मिठाई खिलाते हैं क्योंकि दोबारा बहुत आर्मी में सिलेक्शन के बाद काफी ज्यादा प्रोसीजर स्टिक हो जाते हैं आर्मी मिलिट्री सबके। अब इनको हम क्या बोलेंगे कि अब आगे जाएंगे। अब आपको अगर IMA ज्वाइन करते हैं तो आप आने वाले फ्यूचर में, अभी जब आप लोग बूढ़े होंगे तो इनको आप लेफ्टिनेंट जनरल जनरल के आसपास में देखेंगे। ये सेना के जिस एज में ये गए हैं, देश के कम इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आने वाले जो भी इस एज में जाते हैं लोग एक यंग एज में। हालांकि अगर आप एयरफोर्स में गए, फ्लाइंग उसमें कैटेगरी में हो गए, फ्लाइंग फिट पूरी इंडिया में सबसे टफ मेडिकल अगर किसी का होता है। देखो मेडिकल तो आर्मी का NDO CDS में टफ होता ही है, हमसे कौन पूछेगा, तूने हम वही में से छट के आ रहे हैं। लेकिन उनमें भी हम तो मिलिट्री के ही मेडिकल से छट गए थे, आर्मी के उसमें भी सबसे टफ मेडिकल होता है तो फ्लाइंग का। फ्लाइंग मेडिकल से टफ कोई मेडिकल होता ही नहीं क्योंकि एक पायलट के ऊपर जिम्मेदारी होती है और हजारों करोड़ का जहाज उसके हाथ में होता है। और उसके अलावे जहाज चलता फिरता बारूद है, उसमें कितनी हथियारें हैं, कितना मिसाइल है, उसके अंदर कितना फ्यूल टैंक है। अब पता चला पायलट वहाँ गया और इसमें बेहोश हो गया, नहीं दिक्कत हो जाएगा वहाँ। और जब वो जाएंगे 6G तक चला जाता है वहाँ पे। आप देखे होंगे एयरफोर्स के पायलट को हरे रंग का एक सूट पहनते हैं, चेन लगा रहता है, वो ठीक से चल नहीं पाते, ऐसे ऐसे चलते होंगे यहाँ पर, उसमें पूरा प्रेशर भरा रहता है वहाँ, उसको लिंक किया जाता है जहाज से। जब जहाज इतनी साउंड बैरियर को तोड़ता है ना तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है ना बहुत रैंडम चेंज होता है, कभी नॉर्मल जी से वैल्यू चली जाती है 6G 5G, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है यहाँ पे, एकदम आँख ना काम करना बंद हो जाएगा। तो वो सूट होता है अलग से प्रेशर वहाँ कर, छोटे से जहाज के अंदर जब जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि जो लोग यहाँ है कल को दिन अखंड भारत में ये लोग। और ढेर सारा आशीर्वाद आपको और आपसे बहुत उम्मीद है। राफेल भी आ गया है और बहुत जल्दी आप उसमें बैठेंगे। हाइट भी ठीक ठाक है, हाइट बहुत ज्यादा मांगता है। एक महीना आधा आधा कर देते हैं। हाँ हाँ, वरना हम इतना
चलिए बढ़िया है। अब बहुत जल्दी हम आपको देखना चाहते हैं एक बार, ताकि कारनामे आपके अखबार में निकले। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है, अखंड भारत वाला ग्रुप, सब अलग अलग ग्रुप है भाई। हाँ, तुमको क्या मजाक लगता है? हाँ, लड़ाई अखंड भारत, समझा क्या? छोटा मोटा नहीं है आप। अब अपने लड़कों के हाथ में जिस दिन राफेल आ जाएगा ना, उस दिन ऊपर काल। अब कमी बोलते हैं ना, मीडिया वाला हमारा पीछे पड़ जाता है, आप शांति नहीं चाहते हैं। भारत की अशांति का दुई एगो चीज है, उन दोनों को शांत कर दीजिए, हम शांत हो जाएंगे। नहीं समझ आएगा सर, हम भी बहुत जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ, रैंक होल्ड करके ऑल ओवर इंडिया में रैंक 3 ये एयरफोर्स में, और मिलिट्री आईएम ऑल ओवर इंडिया रैंक 14। समझ रहे हैं कितना बड़ा रैंक है? सबसे टफ होता है फ्लाइंग मेडिकल पास करना। हम लोग तो उसी मिलिट्री, क्योंकि देखिए मिलिट्री को जमीन पर रहना है, थोड़ा बहुत भी एडजस्ट हो सकता है उसको हवा में, और एबनॉर्मल स्पीड ओजोन लेयर के ऊपर, ये तो नीचे तो ऊपर ऊपर भागना होता है। आप कौन सा डिपार्टमेंट देगा ये डिपेंड करता है आप आने के बाद, कि मल्टी रोल जहाज देता है, इंटरसेप्टर देगा। अगर इंटरसेप्टर देगा, इंटरसेप्टर जहाज क्या होता है ना, दुश्मन का जहाज आया सबसे पहले जाके मारेगा उसको, धर 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 इंटरसेप्टर। मल्टी रोल दूसरे को मार भी सकते हैं और नीचे बम भी गिरा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? पानी उनी नहीं।